मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर जिला के बड़सर ताल और सुजानपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। ताल में हमीरपुर विधानसभा के उम्मीदवार कुलदीप पठानिक के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम धूमल पर ताबड़तोड़ हमले किए। साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सत्ता के आगे नतमस्तक होने का आरोप जड़ा। हमीरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप पठानिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास करवाया है तो हजारों अनवित कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है। उन्होंने धूमल पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम बनने के बावजूद भी अपने इलाके की पानी की समस्या हल नहीं कर सके, जिसके बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे हल किया। जो लोग 8 साल में कंट्रोल बेस पे बके हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री ने 5 साल किया जब इनकी सरकार बनी ही थी, और हाल में ही पीछे 3 साल का जिनका कंट्रैक्ट किया, लगभग 40,000 आदमियों को पक्की नौकरी मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस हिमाचल प्रदेश का और इस क्षेत्र का तो हजारों मील के पत्थर जो स्थापित किए हैं, जिसके उसकी घर भी और पंचायत भी उस समस्या से सदियों से जूझती थी, युगों से जूझती थी, लेकिन माननीय बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों के पीने के पानी की समस्या दूर नहीं कर सके। अभी हाल में ही हमारे नमलुक क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मैंने वहां की समस्या का इनके पास जिक्र किया, इन्होंने वहां सब तफसील दी और एक पानी की स्कीम जो तब्बा ब्यास दरिया से उठा के लमलुक क्षेत्र को दे रही है उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया। एक बार फिर इनका जो है हमारे क्षेत्र के ऊपर हम के दिन रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुजरात और हिमाचल में एक साथ चुनाव न करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव आयोग पर दबाव बनाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव होने के इतने दिनों तक क्या गारंटी है कि लोगों के वोट बदलेंगे नहीं। गुजरात और हिमाचल का चुनाव साथ होना चुनाव, मगर आप जानते हैं जो सत्ता में होता है वो न कुछ न कुछ आगे में वो सफल हो जाता है। ऐसा कि हम तैयार नहीं है चुनाव के लिए, हमारे यहाँ गड़बड़ हो रही है, हमारा अशांति है, इसलिए हमारा चुनाव जो है रुका बन रहा है। अब होगा क्या, हमारा तो मतदान हो जाएगा। अब है मतदान 9 तारीख को, प्रक्रिया बंद हो जाएगी और उनके चुनाव जो है वो बाद में करेंगे। फिर जब उनके मतदान होगा, प्रक्रिया बनेगी, जब तीन तक की बात होगी तो हमारे जो वोट है उनको जिम्मू करके मिल जाएगी, उनके ज्यादा डाले वोट होंगे। मुझे इलेक्शन कमीशन से कभी उम्मीद नहीं थी, मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाता। हमारा इलेक्शन कमीशन जो है बहुत बेदाग है, मगर कभी कभी सत्ता के सामने हो जाते हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला गुड़िया हत्या मामले में सीबीआई की टीम को कहा कि इतने दिनों से क्यों सीबीआई शिमला में डेरा जमाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई की टीम गुड़िया केस में कम काम और सरकार की सीबीआई में जुटी हुई है। हमारी सरकार के डॉक्टर के ऊपर रखे हुए हैं, इस बहाने से वो हम चाहते हैं कि उसका ऐसा जो उसका ठीक है और जो दोषी लोग हैं उनको जब से पैदा मिल जाए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं और आजकल हिमाचल बीजेपी के प्रचारक हैं, तभी गली गली में रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, इसीलिए सभी का कल्याण करना और देखभाल करना उनका कर्तव्य होता है। वीरभद्र सिंह ने पीएम मोदी के रहन की रैली के दौरान दिए गए उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कांग्रेस को गंदगी का दीमक कहा है, जिस पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस कभी गाली गलौज और असभ्य तरीके से राजनीति नहीं करती है और ना ही अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को संयम में रहकर भाषण देना चाहिए। क्या मोदी जी ने वो एक प्रधानमंत्री के रूप में
नहीं है, ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो हिमाचल की इंडक्शन चार्ज हो और पता नहीं कल गजी भी ठीक हुई क्यों नहीं। हमारे पर वो राजनीतिक शासक बोलने कर रहे हैं की हस्ती में ये आप ये प्रधानमंत्री और आप ही प्रधानमंत्री की जिम्मे को बनाए रखें। आप सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, आप ये भाजपा के नेता नहीं है, आप प्रधानमंत्री बन के सर्व देश के नेता और सभी का कल्याण करना, सभी की भलाई करना और सभी का देखभाल करना एक अच्छे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का काम है। अभी मोदी जी आए झारखंड में, उनका क्या हमने क्या है, वो एक जिमक है, दंगी का जिमक है, दंगी का जिमक है। अब उन्हें पर करने का हूँ कि हम उन्हें आप जिमक है एक थोड़ा देगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मगर प्रधानमंत्री को भी अपनी जबान के ऊपर काबू करना चाहिए। प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, उनको हिमाचल की जनता से माफी मांगे, मालूम होता है कि बोलने वाले हैं भले ऊंची कुर्सी पर है मगर उन्हें अभी भी सभ्यता का ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री विभेदर सिंह ने पूर्व सीएम धूमल पर चुटकी लेते हुए कहा कि धूमल बीजेपी हाईकमान की कठपुतली बने हुए हैं और मोदी ने हिमाचल में बीजेपी की खराब स्थिति के चलते धूमल को जानबूझकर सीएम चेहरा घोषित किया है। अभी तक धूमल का नाम रद्दी की टोकरी में रखा हुआ था। देखा आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे आपको जबरदस्त कब्जा है, कभी आपके चेहरे पर मुझे पुष्पांग दिखाई देते, कभी आपकी आंखों में चमक नहीं दिखाई देती है, कभी हंसी मजाक नहीं देखा, एंड लाइफ को तो सीरियसली मत लो, अगर पैसे बनाती हो उसको भी हंसते हुए खेलते हुए जीवन व्यतीत करने का अधिकार है और आपका चेहरा ठीक रहेगा, सबके तरफ प्रेम भाव होगा, अपने आप प्रति होगी सबकी और आपके प्रेम उनका प्रेम आपके प्रति और आपका प्रेम उनके प्रति बढ़ेगा, भूल कर नहीं रहेगा। अभी मेरा सामने यू करके पहले मेरा समाज व्यय खराब हो गया। आज तक तो वो बेचारे जो है रद्दी की टोकरी में गए, कई और नाम आ गए थे, और अब जब ये महसूस हुआ है मोदी जी को कि अब हमारी सत्ता बढ़ने वाली है, खतरा हो गया है, और अगर जो दूसरे राज्यों को करेंगे उनकी हार हो, उनकी कुछ हार होगी वो मोदी जी की हार मानी जाएगी, क्योंकि आखिरी स्टेज में उन्होंने धूमल जी को आगे कर दिया, हारे का जो धूमल जितनी बारी है तो मेरी या मेरा आदमी है और हारने की बारी है तो मैं उसका गुलामी का टुकड़ा क्यों हूँ, धूमल के ऊपर कुछ यूज कर, यही वजह है कि आखिरी वक्त में इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनको घोषित किया गया ताकि बद्री का टुकड़ा होगा और अगर जय माला प्रणाली हो तो वो